प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत के करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश करने और अनगढ़ा में माइनिंग लीज आवंटन मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट को सौंपे गए दस्तावेजों को देखने से लगता है कि मामला जनहित से जुड़ा है और महत्वपूर्ण है। खंडपीठ ने रांची के डीसी स्पष्टीकरण को देखने और प्रार्थी का जवाब सुनने के बाद गंभीर टिप्पणी करते हुए सरकार से पूछा है कि क्या कोई आरोपी अधिकारी कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर सकता है। उपायुक्त रांची किस किस मामले में आरोपी हैं, इस मामले की क्या स्थिति है, ट्रायल का क्या स्टेटस है, इस पर महाधिवक्ता राजीव रंजन ने शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी देने की बात कही है। ईडी ने प्रार्थी की आई याचिका पर जवाब देने के लिए राज्य सरकार की ओर से समय देने का भी आग्रह किया गया है, जिसमें खंडपीठ ने स्वीकार किया है मामले की असली सुनवाई। इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल महाधिवक्ता राजीव रंजन के पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि झारखंड हाईकोर्ट ने 17 मई के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की, शीघ्र सुनवाई के लिए भी मेंशन किया गया है। संभावना है कि SLP पर 20 मई को सुनवाई हो जाए। सिब्बल ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने पक्ष रखा है। उन्होंने खंडपीठ को बताया है कि ईडी की जांच में कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार इस मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर सकती है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया है कि रांची के उपायुक्त छवि रंजन एक निगरानी मामले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ विजिलेंस केस 76/217 दर्ज है। वह हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता मृतांश वत्स खंडपीठ के समक्ष उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।